Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today we will learn about the role of water and its effect on the plant growth and development. Among the four most important factors affecting plant growth, water is also very crucial. In order to survive, plants have to have water. Most plants are made up of nearly 90% water. Without the appropriate amounts of water, plants will be stressed and eventually die. Water provides plants with nourishment and hydration. When the plants absorb water through their roots, they will also be picking up nutrients that will travel to the cells of the plant. Most of these lines are very self-explanatory, but I would like to emphasize on the fact that पौधा जो है पानी की जो absorption है वो root के जरिए से करता है और पानी की जो तरसील जो है कि न सिर्फ पानी की तरसील होती है बल्कि पानी के अंदर जो absorb nutrients होते हैं वो भी पौधा लेता है जो कि पौधे की के जो ग्रोथ प्रोसेसेस हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ प्रोसेस वो है फोटोसिंथेसिस का उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये भी मैं आप लोगों को जो है बताना चाहूँगा कि जो और ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि पौधा जो है जड़ों के ज़रिए से पानी और न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है लेता है और ये जो न्यूट्रिएंट्स मिला पानी जो है ये वाया जाइलम जो है के ज़रिए से जड़ों से ऊपर की तरफ अबाउ ग्राउंड पार्ट्स की तरफ मूवमेंट करता है वाया जाइलम ऑर्गेनल के ज़रिए से और ये जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जो हैं पौधे के तमाम जो अबाउ ग्राउंड जो एरियाज हैं पोर्शंस हैं जिसमें स्टेम्स हैं लीफ हैं तो उन तक इनकी तरसील होती है और पौधा जो है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को जो है बरकरार लाता है उनको यूटिलाइज करता है फॉर द वन ऑफ द मेन प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है लीव्स में और जहाँ पे खुराक बनती है कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और जब खुराक बन जाती है तो खुराक की तरसील पौधे की जो ग्रीन एरियाज हैं लीफ और स्टेम हैं इनसे फ्रॉम द अबाउ टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिन जड़ों तक होती है वाया अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल कॉल्ड एस फ्लोएम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट वाटर requirement or their adaptation to the habitat, we can classify plants into three different categories. Number one is hydrophytes, second one is mesophytes, and the third one is the xerophytes. So hydrophytes, what are hydrophytes? Hydrophytes are plants that are adapted to the living in water और इन सॉइल सैचुरेटेड विद वाटर। आसान अल्फाज में हाइड्रोफाइट्स जो हैं ये जो हैं अपने आप को आदि बना चुके हैं उन आया या पानी में या ऐसी सॉइल जो कि जहाँ पे पानी की जो है तरसील ज़्यादा हो या जिसको हम कह सकते हैं कि जी दलदली इलाके या वेट कंडीशंस सॉइल हैविंग द वेरी वेट टू वेट कंडीशंस तो ये उनमें आदि होते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादातर इन इलाकों में पाए जाते हैं और मिसाल के तौर पे कमल का फूल है हम अक्सर उनको दरियाओं के किनारे पे हम देखते हैं दलदली इलाके में देखते हैं वाटर लिली भी इसी तरह है। तो इनमें कौन सी ऐसी खासियत है कि ये जो है पानी में डूबते नहीं हैं और पानी में जो है ये बेहतर परफॉर्म करते हैं ग्रोथ करते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिनको एरेंचेमा कहते हैं और एरेंचेमा जो है ये जो टिश्यू है इनमें जो सेल्स के दरमियान जो गैप होता है वो गैस से फिल होता है और जिसकी बदौलत इनको जो है पानी में तैरने में आसानी होती है। तो
तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन मैं रिपीट करूँगा, दी हेटरोफाइट्स यूजली हैव लार्ज इंटरकनेक्टेड आपस में मिले हुए इंटरसेलुलर, इंटर कहते हैं सेलों के दरमियान वक्फे को, इंटरसेलुलर गैस फील्ड स्पीसीज इन देयर रूट एंड शूट टिश्यू, दोनों में, दोनों अज्जा में, रूट में भी और शूट में भी पाए जाते हैं, और जो विच फेसिलिटेट एयर एक्सचेंज इन दीज प्लांट्स. द सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड इज मेसोफाइट्स. मेसोफाइट्स जो हैं बेसिकली आर मोस्ट कॉमन टेरिस्ट्रियल प्लांट्स that are adapted to neither a long wet or a long dry environment. ये वो पौधे हैं जिन्होंने अपने आप को adapt किया है न ज़्यादा wet conditions, न ज़्यादा dry condition. डिपेंड करता है कि इनकी जड़ों का निज़ाम कैसा है या इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लीफ के क्या हैं और या स्टेम के क्या हैं. तो पानी की रिक्वायरमेंट वेरी करती है स्पीशी टू स्पीशी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इनमें है वो मैंगो है ट्री है एक्सेट्रा, मैंगो ट्री एंड एप्पल ट्री एक्सेट्रा. द थर्ड कैटेगरी ज़ेरोफाइट्स. ज़ेरोफाइट्स जो हैं ये खुशसाली को पसंद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये खुशसाली या जिसको हम कहते हैं ड्राट को बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं. इन्होंने अपनी एडेप्टेबिलिटी जो है को यकीनी बनाया है खुश्क इन्वायरमेंट में, और थोड़ा सा रिपीट करूँगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ज़ेरोफाइट्स आर प्लांट्स दैट कैन एंड्योर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राट. लंबी पीरियड खुशसाली को बर्दाश्त कर सकते हैं. द ज़ेरोफाइट यूजली हैव स्पेशल फीचर्स सच एज रिड्यूस्ड परमेबिलिटी टू डिक्रीज वाटर लॉस, swollen tissues to conserve water, or deep and extensive root systems to acquire water. Examples include cactus, agave, euphorbia. तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं खुशहाली को? तो इन्होंने या तो अपने मॉर्फोलॉजी या एक्सटीरियर जो है इनका, इनमें चाहे लीफ हैं या स्टेम हैं, उनके ऊपर एक लेयर सी इन्होंने जो है पैदा की होती है जो कि इन के लीफ या स्टेम टिश्यू से पानी के अखराज को कम करती है, या इन्होंने बिल्कुल सिरे से लीव्स को ख़त्म कर दिया है और इनके टिश्यूज होते हैं स्वोलन. ठीक है, आपने अक्सर कैक्टस को देखा होगा कहीं ड्राई एरियाज में, तो स्वोलन टिश्यूज होते हैं और जिनके अंदर पानी को स्टोर करने की सकत बहुत ज़्यादा होती है. चूँकि लीफ होते नहीं है तो ट्रांसपरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से पानी लंबे अरसे तक महफूज होता है, और ये इनको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ फंक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी नीड टू लर्न इज अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव मवाजना जब किया जा रहा हो, ह्यूमिडिटी नमी, रिलेटिव इसका मतलब ये है कि जी हम इस कंसेप्ट में, इस फिनोमेना में ज़रूर पानी या नमी को हम कंपेयर करेंगे. तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन एक एग्जांपल के ज़रिए से बड़ा ही आसानी से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द रेशो. क्या है रेशो? रेशो है जी रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर एट कांस्टेंट और पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. ठीक है, वाटर इन द एयर and divided by water the air could hold. अब मिसाल के तौर पे ये मिसाल दी गई है यहाँ पे कि जी कि अगर एक समझ लें कि एक छोटा सा कमरा है और उसमें 1 किलोग्राम के करीब हवा मौजूद है और उसमें नमी ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की रखने की सकत अगर 4 ग्राम अगर वो वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, लेकिन सिर्फ 3 ग्राम पानी या वाटर ह्यूमिडिटी या पानी के बुखारात अगर मौजूद हैं, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को? तो पानी जो है कितना है 3 ग्राम, कितनी सकत है
4 ग्राम, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 यह रिजल्ट आता है 0.75, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिजल्ट हमारे पास आता है 75%। तो 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मौजूद है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि इसका बुनियादी किरदार है ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए, या लीफ के में जो मसाम होते हैं, बिलो द लीफ जो मसाम होते हैं जिनको स्ट्रोमेटा कहते हैं, तो उनके ज़रिए से जो गैसेस की तरसील होती है, कौन से गैसेस आते जाते हैं जी, पौधा जो है ऑक्सीजन को खारिज करता है, ठीक है, और CO2 को वो लेता है, तो ये तमाम अवामिल जो होते हैं ये मसाम जो हैं पत्तों के लोअर साइड ऑफ द लीव्स में जिनको स्ट्रोमेटा कहते हैं वहाँ से होते हैं, और तो और पानी जो है उसकी तरसील होती है, पानी के बुखारात पौधा खारिज करता है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकालता है बाहर, तो थ्रू ट्रांसपायरेशन के जरिए से। तो इनको कंट्रोल करने का जो मेन काम है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी करता है, वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट जो है एक किरदार अदा करता है, बाकी ट्रांसपायरेशन के रेट और फोटोसिंथेसिस के रेट और स्ट्रोमेटा के क्लोज और बंद करने के पीछे और भी बहुत सारे अवामिल होते हैं, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी का किरदार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स देन कोल्ड एयर, जो गर्म हवा है वो पानी के बुखारात को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है एज़ कम्पेयर विद कोल्ड एयर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर स्टेज द सेम एंड द टेम्परेचर इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज। अगर देखें अगर अगर पानी एक छोटे से कमरे में अगर पानी के बुखारात 3 ग्राम हैं और इससे ज़्यादा अगर वो जो हैं ज़्यादा नहीं होते, तो फिर जो और दरियारात में अगर इजाफा होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है में कमी वाक़ हो जाएगी। हाँ, अगर पानी के बुखारात में अगर साथ साथ आप इजाफा करते जाते हैं और अगर टेम्परेचर में इजाफा हो भी रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इतना फ़र्क नहीं होगा। हमेशा पानी के बुखारात जो हैं फिजिक्स का असूल है लॉ ऑफ डिफ्यूजन कि जी वो हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे बुखारात की ज़्यादती होती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, और जितना ये फ़र्क ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से पानी मूव करेगा। तो when the stromata are open, water vapors rushes out. As the vapor moves out, a cloud of high humidity is formed around the stromata. This cloud of humidity helps slow down the transpiration and cool the leaf. If the air movement blows the humid cloud blows the humid cloud away. If the air movement blows the humid cloud away, transpiration will increase as the stromata keeps opening to balance the humidity. Bunyadi jo concept hai wo ye hai ki ji ke स्ट्रोमेटा जब ओपन होते हैं तो जाहिर सी बात है जब तो गैसेस की तरसील ज़्यादा तेज़ी से होती है, पानी के बुखारात तेज़ी से निकलते हैं, जब तेज़ी से निकलते हैं चूँकि पत्ते से निकल रहे होते हैं तो पत्ते के अंदर जो सेलुलर स्पेसेस हैं वहाँ पे पानी के बुखारात ज़्यादा हैं, तो हायर कंसेंट से पानी के बुखारात रश आउट करते हैं इन द ओपन एयर जहाँ पे पानी के बुखारात कम हैं। जब निकलते जाते हैं तो और अगर हवा तेज़ी से नहीं चल रही तो एक लेयर सी जम जाती है, लेयर सी पैदा हो जाती है पत्ते के ऊपर, और जो के जिसकी वजह से जो है ट्रांसपायरेशन का रेट फिर कदरे स्लो डाउन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अब जो है बैरूनी इन्वायरमेंट जो पत्ते का है, ठीक है, वो उसकी उसमें पानी के बुखारात ज़्यादा हो गए हैं तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, और पत्ता अब ये नहीं समझता कि मुझे ट्रांसपायरेशन के रेट को ज़्यादा करना है, क्योंकि अब जो है एक बैलेंस एक मुतवाजन निज़ाम कायम हो गया। लेकिन अगर हवा तेज़ी से चल रही है, विंडी सिचुएशन है, तो ये लेयर पैदा होगी और पत्ते के बाहर पैदा भी होगी और साथ साथ ख़त्म भी होती जाएगी, तो उस बैलेंस को कायम करने के लिए ट्रांसपायरेशन का रेट फास्ट हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन अब बाहर कम है आउटसाइड द लीफ,
कंसंट्रेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी बाहर कम है और इनसाइड ज़्यादा है, तो पानी की ट्रांसपिरेशन की इसकी का रेट फास्ट हो जाएगा, स्ट्रोमेटा वाया स्ट्रोमेटा और पानी के बुखार तेजी से बाहर निकलेंगे जब तक कि बैलेंस कायम ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वाटर से रिलेटेड, उनके बारे में आगाही ज़रूर होनी चाहिए आपको। पहला कंसेप्ट जो है वो ये है कि वाटर रिक्वायरमेंट, हम किस तरह, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट को हम का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि पौधे को कितना पानी चाहिए। ठीक है, वाटर जैसे कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, वाटर इज़ क्रूशल फॉर क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। हाउ एवर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स डिफर अकॉर्डिंग टू प्लांट्स एंड सॉइल टाइप्स। A plant's total sum of water requirement includes the water. A plant's total sum of water requirement includes the water the crop uses by itself and also the losses due to the evapotranspiration, water application, land preparation, and leaching during the crop growth period. Total कितना sum कितना कितने अमाउंट में पानी दरकार होगा एक क्रॉप के लिए, इसको हम किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें कि जी कितने लॉसेस हो रहे हैं पानी के ड्यू टू इवेपोट्रांसपायरेशन। इवेपोट्रांसपायरेशन जो है दो कंसेप्ट का मजमू है, इवेपोरेशन जिसको कहते हैं द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, एंड ट्रांसपायरेशन जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। तो इवेपोरेशन इवेपोट्रांसपायरेशन का रेट कितना ज़्यादा है, जहर सी बात है जब गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपोट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, तो पानी के लॉसेज ज़्यादा होते हैं। और पानी कितना यूटिलाइज पौधा कर रहा है आफ्टर लॉसेस ड्यू टू एवेपोट्रांसपायरेशन, पानी हम कितना दे रहे हैं, ज़मीन किस तरह तैयार की है, लीचिंग जो है ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड जो है लीचिंग कितनी हो रही है। लीचिंग कहते हैं लीचिंग कहते हैं कि जी पानी का लॉस जो है इन द फील्ड कह सकते हैं हम, लीचिंग डाउन हो जाती हैं, हम न्यूट्रेंट्स की भी लीचिंग हो रही होती है और साथ साथ पानी की भी जहर पानी के जरिए से हो रही होती है। तो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, जब हम पानी दे देते हैं तो पानी किधर चला जाता है आफ्टर सम टाइम, तो वो जेर ज़मीन चला जाता है, या अगर पौधे या अगर लेवलिंग सही नहीं है या जो प्लाट है या फील्ड है उसके जो बाउंड्रीज हैं वो कमज़ोर हैं, या कुछ सैंडी इन्वायरमेंट अगर है तो साइडों के ज़रिए से भी लीचिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये तमाम अवामिल असरअंदाज होते हैं टोटल जो है कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ड्राट, खुश्क साली। ड्राट इज डिफाइंड एज ए पीरियड विदाउट सिग्निफिकेंट रेनफॉल और सॉयल मॉइस्चर। एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए रेनफॉल का ना होना, बारिशों का ना होना, ज़मीन के अंदर जो सॉयल के अंदर मॉइस्चर का कम पड़ जाना, इसको हम ड्राट कहते हैं। ड्राट में लीड टू वाटर प्लांट वाटर डेफिसिट, पानी कम पड़ जाता है, पौधा जो है रिक्वायरमेंट पौधे की मीट नहीं होती और पौधा स्ट्रेस में आ जाता है जिसको हम ड्राट स्ट्रेस कहते हैं, और ग्रोथ बहुत शदीद किस्म की मुतासर होती है, यील्ड पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। ड्राट स्ट्रेस यूजली अकर्स व्हेन सॉइल वाटर कंटेंट इज लेस देन 50% ऑफ फील्ड कैपेसिटी। ये उस वक्त ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब फील्ड कैपेसिटी जिसको हम वतर की हालत कहते हैं, ठीक है, तो 50% कम जब फील्ड कैपेसिटी हो जाती है, जब वतर की हालत 50% कम हो जाती है या कमज़ोर पड़ जाता है वतर, तो ड्राट स्ट्रेस हो जाता है। और हम हमारा ये मुशाहिदा है कि जी गर्मियों में जैसे कि मई जून में जो है वतर की हालत बड़ी तेज़ी से ख़त्म होती है, और हर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हमें वतर की हालत को मेंटेन करने के लिए पानी देना पड़ता है। अगर हम पानी न दें तो फिर ड्राट स्ट्रेस का ख़तरा मौजूद होता है। और मौसम सरमा में अलबत्ता वतर की हालत काफ़ी देर तक कायम रहती है, 5 दिन तक भी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टेक्सचर, और हमें जो है वतर की हालत को मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, हमें ज़्यादा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, 5 दिन के बाद हम पानी देंगे, तो क्योंकि ठंडे दिन होते हैं और इवेपोट्रांसपायरेशन भी कम होता है, तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना चाहिए। और पौधा किस किस्म की सिम्टम्स देता है ड्राट स्ट्रेस के दौरान, विल्टिंग
जो है पत्तों का जलना, ठीक है, ड्रूपी मुरझा जाना, नीचे गिरे हुए पत्ते, लटका हुआ जो है जो उनका सर है, स्टेम्स नीचे की तरफ झुके हुए, ड्रूपी नेचर, कर्लिंग और रोलिंग ऑफ लीव्स, कर्लिंग लीव का कर्ल हो जाना या रोल हो जाना, और शूट टिप्स का ब्राउन हो जाना, ये तमाम अवामिल, ये तमाम सिम्टम्स पौधा शो करता है। और डिजील फार्मेशन स्टेज जो है स्पेशली वेजिटेबल्स में बहुत ही ज़्यादा मुतासर होती है, ठीक। इवन शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस भी अगर यील्ड फार्मेशन के दौरान अगर पौधे पे पड़ेगा तो पौधे की ये मुतासर होती है। तो यील्ड फार्मेशन की स्टेज क्या होती है? तो यील्ड फार्मेशन की स्टेज ये फ्लावरिंग स्टेज हो गई, फ्रूट सेटिंग की स्टेज हो गई। तो इस दौरान जो है ड्राट स्ट्रेस बहुत ही डिजास्टरस इफेक्ट पेश करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने आप लोग के लिए तैयार की है कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्राट टॉलरेंस हाउ कैन वी क्लासिफाई प्लांट्स, की ड्राट को बर्दाश्त करने के लिहाज से हम किस तरह पौधों को क्लासिफाई करते हैं। ये चंद एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी है हाईली टॉलरेंट जो है प्लांट्स, जो कि बर्दाश्त जिनमें बहुत ज़्यादा है ड्राट स्ट्रेस के लिहाज से। जिनमें कौन कौन से पौधे शामिल हैं? इनमें बेर है, डेट पाम है, बेर, डेट पाम, कैशियो नट, काजू जिसको कहते हैं, पोमग्रेनेट, फिग, परसिमन जिसको हम कहते हैं जापानी फल, अमलोक। मॉडरेटली टॉलरेंट दरमियाना दर्जा, तो उनमें कौन कौन से हैं जी? मैंगो, जामुन, ग्रेपफ्रूट, टैमरिंड, इमली को कहते हैं, लेमन, गुआवा, अमरूद, ग्रेप्स, अंगूर की चंद इकसाम। सेंसिटिव जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ड्राट को, ड्राट स्ट्रेस को, इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? बनाना, ऑरेंज, लीची, कोकोनट, एवोकाडो, जैक फ्रूट, एप्पल, पोमेलो, पपाया, पाइन एप्पल एक्सेट्रा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेवेंट विद वाटर इज द फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या है? फ्लडिंग अकर्स व्हेन वाटर एंटर सॉइल फास्टर देन इट कैन ड्रेन अवे। जब पानी ज़मीन से नहीं निकल सकता उतनी रफ्तार के साथ कि जितनी रफ्तार के साथ पानी ज़मीन में मिट्टी में मिल जाता है तो इसको हम फ्लडिंग कहते हैं। ये मुख्तलिफ अवामिल हैं फ्लडिंग के, इंटेंस रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो हो जाना रिवर का, ज़्यादा बारिश हो जाना, वक्स बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत तेज़ी के साथ पानी का रन ऑफ हो जाना, तेज़ी के साथ गुजरना, ओवर इरिगेशन का होना, ज़्यादा पानी दे देना, ठीक है, फ्लड इरिगेशन फॉर एग्जांपल, और सॉयल की प्रोफाइल को, सॉयल की जो टेक्सचर है वो कुछ इस किस्म की कि जी कि ड्रेनेज का बड़ा स्लो हो जाना। तो ये अवामिल शामिल हैं, तो ये इनका बड़ा ही जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये फ्लडिंग को, फ्लडिंग की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, आगे क्या है जी? आगे सॉरी माय बैटरी लो, बस अब ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अंडर वाटर लॉट कंडीशंस ऑल पोर्स इन द सॉइल आर फिल्ड विद वाटर depriving the soil of oxygen. As a result, plant roots cannot obtain oxygen for respiration to maintain their activities for nutrients and water uptake. Oxygen deficiency in the soil due to water logging also causes death of root hairs and increases the formation of compounds toxic to plant growth. All of these lead to retarded growth and death of the plant. So flooding कैसे पैदा होती है उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और flooding के की बदौलत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मसला हमें दरपेश होता है हमारे फार्मर्स को वो है वाटर लॉट कंडीशंस हो जाती हैं। ज़मीन पानी की सतह इतनी बुलंद हो जाती है कि जी पानी सरफेस तक आ जाता है, तो जिसकी वजह से मिट्टी में, सॉयल में मसाम जो होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो पानी से फिल हो जाते हैं। इनके दरमियान इनमें जो ऑक्सीजन होती है वो अब बाकी नहीं रहती। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जड़ों की नशोनुमा के लिए, न्यूट्रेंट जड़ों को की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और प्रॉपर फंक्शन क्या होती है जड़ों की? जड़ों की प्रॉपर फंक्शनिंग तो यही होती है कि ये उनका फैलना, ठीक है, उनका ज़मीन के अंदर फैलाव, उनका पानी को अपटेक करना और न्यूट्रेंट को अपटेक करना। तो ये जो है वो फंक्शन अदा नहीं कर पाते सही तरीके से, और साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स पैदा हो जाते हैं। पानी खड़ा रहता है तो डिफरेंट किस्म के जो 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 हम कह सकते हैं कि पौधे के जो
जो कुछ अज्जा जो पाए जाते हैं, जो वो पुरानी फसल के कुछ अज्जा अगर पाए जाते हैं, उनकी जड़ें, उनके पत्ते, तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, टॉक्सिक कंपाउंड पैदा हो जाते हैं, तो ये तमाम अवाम में ले जाते हैं पौधे की कमज़ोर ग्रोथ की तरफ, और आखिर में पौधा मर जाता है अंडर दी वाटर लॉग कंडीशंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑन द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ प्लांट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू शेयर विद मी योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।